अगर आप गूंज के लिए अवेयरनेस कम कलेक्शन कैंप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं तो आगे दी जाने वाली जानकारी आपके लिए सहायक होगी। पहले आप ये जान लीजिए कि एक फन एक्टिविटी है, एक ऐसा एनर्जेटिक इवेंट जिसमें आपको बहुत से लोगों से मिलने का, बातचीत का मौका मिलता है। गूंज के काम का भी एक अहम पहलू है जिसमें हमें मौका मिलता है कि हम उन हजारों लोगों से कनेक्ट कर पाएं जो हमारे साथ शहरों में जुड़े हैं, हमारे बारे में जानना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपने कुछ समय निकालकर गूंज के नजदीकी प्रोसेसिंग यूनिट का विजिट किया होगा ताकि आप गूंज के काम को गहराई से समझ सके। यदि आप किसी ऐसे शहर में हैं जहां गूंज का ऑफिस नहीं है तो आप जानकारी गूंज के काम के बारे में हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.goonj.org या फिर जानकारियां हमारे फेसबुक पेज पर लगातार उपलब्ध रहती हैं, आप फेसबुक पेज पर विजिट कर सकते हैं। अगर आप ऐसे शहर में हैं जहां गूंज का ऑफिस नहीं है, वहां कैंप ऑर्गेनाइज करने के लिए आप बेसिक गाइडलाइंस, पब्लिसिटी मटेरियल, मॉनिटरी कंट्रीब्यूशंस के लिए रिक्वायर्ड परमिशन के लिए गूंज से पूछ सकते हैं। ऐसे में हो सकता है ग्रीन बाय गूंज प्रोडक्ट, गूंज की गुल्लक दे पाना संभव ना हो। और टीम की लिमिटेड कैपेसिटीज की वजह से टीम मेंबर्स का वहां उपस्थित हो पाना भी संभव ना हो। जब आप गूंज का कैंप करने का डिसाइड करें तो सबसे पहले आपको डेट डिसाइड करनी होगी। वो डेट कम से कम 2 हफ्ते बाद की होनी चाहिए। इसका मतलब ये भी है कि उन 2 हफ्तों में और कैंप के दिन आपको अपनी प्रायोरिटीज और कमिटमेंट्स को ध्यान में रखते हुए कैंप की डेट डिसाइड करनी होगी। कैंप ऑर्गेनाइज करने के 3 फेज हैं। कैंप से पहले 2 हफ्ते की तैयारी, कैंप के दिन और कैंप के दौरान की तैयारी और कैंप के बाद। कैंप की डेट, टाइम और वॉलेंटियर फाइनल होने के बाद टीम गूंज से बोलें कि वो आपको गूंज के नेशनल वॉलेंटियर रजिस्टर में रजिस्टर करें। टीम गूंज और लोकल वॉलेंटियर्स के संपर्क में रहें। पब्लिसिटी के लिए आप एक गूंज वॉलेंटियर मीट भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसमें टीम गूंज के मेंबर आकर सेशन ले सकते हैं या उनसे गूंज के काम के बारे में बातचीत कर सकते हैं। अपने एरिया में यंगस्टर्स, सीनियर सिटीजन्स, हाउसवाइफ्स, इनसे बात करें। आसपास के मॉल्स, मार्केट, सोसाइटीज, हॉस्पिटल्स में जाके इसको प्रमोट करें। लोकल बॉडीज जैसे RWA से सभी जरूरी परमिशंस जो हैं लिखित में ले लें। कैंप के लिए एक कवर्ड स्पेस देखें। अगर कवर्ड स्पेस अवेलेबल नहीं है तो किसी शेडेड प्लेस पे, जैसे किसी पेड़ के नीचे कैंप ऑर्गेनाइज करें जहाँ पे टेबल चेयर्स लगाई जा सके। इंटरेस्टिंग पब्लिसिटी आइडियाज के लिए गूंज टीम से जरूर संपर्क करें। कैंप से 1 हफ्ता पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैसेज पहुंचाने और अवेयरनेस पर फोकस करें। प्लानिंग करें कि ये कैसे किया जा सकता है। लीफलेट, बैनर, पोस्टर्स को प्रोमिनेंट जगहों पर लगाएं। सोशल मीडिया को उत्तम तरीके से यूज किया जा सकता है। व्हाट्सएप, ईमेल, फेसबुक से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सकते हैं। वॉलेंटियर्स डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकते हैं जिससे मैसेज डायरेक्टली जो है वो लोगों तक पहुंचता है। कैंप से 1 दिन पहले सभी सोशल मीडिया के माध्यमों से लोगों को एक बार फिर से याद दिलाएं। लोगों को रिमाइंड कराना बहुत जरूरी है, ये हमारे कैंप की सीरियसनेस को दर्शाता है। गूंज टीम से फॉलो अप करें आपके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के लिए कि सभी जरूरी चीजें जो आपको चाहिए वो उपलब्ध है या नहीं। 2-3 वॉलेंटियर्स के ग्रुप आसपास की सोसाइटीज, फूड जॉइंट्स में जाकर लीफलेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर एक फाइनल रिमाइंडर दोबारा भेजें। कैंप के दिन जरूरी सामग्री की चेकलिस्ट को एक बार देख लें, जैसे पानी, टेबल, चेयर, रिक्वायर्ड परमिशन लेटर, गूंज की तरफ से आने वाला प्रोडक्ट्स, बाकी का सामान। कैंप के दिन कम से कम 1 घंटा पहले तैयारी शुरू करें। कैंप का अच्छा डिस्प्ले होना बहुत जरूरी है। हम कैंप के अच्छे डिस्प्ले के लिए उसको 3 सेक्शन में बांट सकते हैं। पहला सेक्शन ग्रीन बाय गूंज, जहां पे हम ग्रीन बाय गूंज प्रोडक्ट्स रखेंगे।
दूसरा सेक्शन जहाँ पे हम लोगों से बातचीत करेंगे, इस सेक्शन में हम लोग हमारा कम्युनिकेशन मटेरियल उसमें रख सकते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए लीफलेट्स हैं, पोस्टर्स हैं, बाकी की जो जानकारियां हैं वो रख सकते हैं, डोनेशन बॉक्स रखेंगे और गूंज की गुल्लक रखेंगे। तीसरा सेक्शन मटेरियल सेक्शन है। मटेरियल सेक्शन के अंदर हम लोग कार्टन्स, पुराने कार्टन्स, बेडशीट वगैरह यूज़ करके अलग अलग सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। हम लोगों को मोटिवेट करें कि लेबल्स के अकॉर्डिंग जो है वो उन्हीं सेक्शंस में सामान को रखें। कैंप की लोकेशन पे अलग अलग तरह के सामान के लिए हम लोग अलग अलग सेक्शंस बना सकते हैं, उसे लेबल कर सकते हैं, जैसे किड्स क्लॉथिंग के लिए, मेन क्लॉथिंग के लिए, विमेन क्लॉथिंग के लिए, फुटवेयर के लिए, यूटेंसिल्स के लिए, और लोगों को हम मोटिवेट कर सकते हैं कि वो डेजिग्नेटेड सेक्शन में ही अपना सामान दें। इससे एक बेसिक सॉर्टिंग जो है वो कैंप की लोकेशन पे ही हो जाएगी मटेरियल की। आप नजदीकी गूंज ड्रॉपिंग सेंटर्स की डिटेल अपने पास रखें और जो नियरेस्ट सेंटर्स हैं उनको प्रोमिनेंटली हाईलाइट करके एरिया में लगाएं, ताकि अगर लोगों को दोबारा सामान देना हो तो वो सही जगह पे जा सके। जो बैनर्स हैं वो ऐसे डिस्टेंस पे रखें कि लोग उसे आसानी से पढ़ सकें, और जो गूंज की गुल्लक है उसे भी ऐसे नोटिसेबल प्लेस पे रखें कि लोग उसे देख सकें। गूंज की गुल्लक की सही जानकारी, उसके पीछे का जो मैसेज है वो जरूर लोगों को बताएं, और कोशिश करें कि एक गुल्लक हर कंट्रीब्यूटर को हम दें। इसके बाद अगर गूंज की गुल्लक के बारे में या ग्रीन बाय गूंज प्रोडक्ट्स के बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप गूंज के यूट्यूब चैनल पर वीडियोस देख सकते हैं। आप गूंज की वेबसाइट www.goonj.org पर जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप जब चाहें इस विषय पर जो जानकारी जानना चाहते हैं वो आप हमसे ले सकते हैं। लोग जब कैंप में आने लगे तो ये सुनिश्चित करें कि वो विजिटर लॉग बुक में जरूर एंट्री करें, जो इसी पर्पस के लिए वहाँ भेजी गई है। लोगों को ग्रीट करना, उनसे बातचीत करना बहुत जरूरी है, तो ये एडवाइजेबल है कि कम से कम दो लोग जो हैं फ्रंट टेबल पे रहें। मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन अगर लोग देना चाहें तो थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है कि लोग मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन जो है वो गूंज के डोनेशन बॉक्स में ही डालें, या फिर गूंज के द्वारा दिए गए एनवेलप में पूरी जानकारी के साथ डालें। अगर कोई ऐसा सवाल है जिसके जवाब के बारे में आप श्योर नहीं हैं, आपको नहीं पता है कि उसका क्या जवाब हो सकता है, तो आप विजिटर को बोल सकते हैं कि वो डायरेक्टली जो है टीम गूंज से बात करें। वो हमें कॉल कर सकते हैं इन नंबर्स पर 011-4140-1216-2697-2351, या फिर वो हमें मेल लिख सकते हैं। हमारा मेल आईडी है mail@goonj.org। कैंप के बाद कम्युनिकेशन मटेरियल, डिस्प्ले मटेरियल जैसे बैनर्स वगैरह को केयरफुली पैक करके गूंज को वापस कर दें। कलेक्टेड मटेरियल को कार्टन्स या बैग्स में पैक करें। ब्रेकेबल मटेरियल को ध्यान से सेपरेटली पैक करें। यदि आप सामान को उसी दिन नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो उसे सेफ और सूखी जगह पर रखें। कैंप के सामान को पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए गूंज टीम से कैंप से पहले ही बात कर लें, ताकि हम प्रॉपर अरेंजमेंट कर सकें और रिलायबल ट्रांसपोर्टर से कनेक्ट कर सकें। सामान को लोड करते वक्त भारी सामान को पहले लोड करें। कैंप के बाद कैंप का फीडबैक हमसे शेयर करें। हमें बताएं कि क्या वर्कआउट किया, क्या नहीं किया, कोई हाईलाइट कैंप के अगर रहे, कोई ऐसा की वॉलंटियर जिसके साथ हम आगे कनेक्ट कर सकें। गूंज से बिना रिटन परमिशन के कैंप को ऑर्गेनाइज ना करें। किसी भी मीडिया में अगर कोई आर्टिकल जाना हो कैंप के बारे में तो उसके बारे में गूंज को सूचना पहले दें। हमारे साथ वॉलंटियर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। वेबसाइट है www.goonj.org, या फिर आप हमें लिख सकते हैं mail@goonj.org पर।